विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 12th फेल झमाझम तारीफें लूट रही है। फिल्म के लिए विक्रांत मैसी को भी झोली भरकर प्यार मिल रहा है। 12th फेल 2023 में IMDb पर हाईएस्ट रेटिंग पाने वाली फिल्म बन गई। इस बीच कंगना रनौत ने विक्रांत मैसी की तारीफ की है। उन्होंने विक्रांत की परफॉर्मेंस की तुलना इरफान से कर डाली। ये वही कंगना रनौत हैं जिन्होंने यामी गौतम के इंस्टाग्राम पोस्ट पर विक्रांत को कॉकरोच कहा था और उन्हें मारने के लिए चप्पल ढूंढने की बात कही थी। बीते दिनों कंगना ने इंस्टाग्राम पर 3 स्टोरी शेयर की। इसमें उन्होंने 12th फेल और विक्रांत के बारे में लिखा, शानदार फिल्म, मैं भी हिंदी मीडियम से हूं और ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक रखती हूं। अपने स्कूल के दिनों में बिना आरक्षण के प्रवेश परीक्षाओं के लिए सामान्य जाति की छात्रा होने के नाते मैं पूरी फिल्म में रो रही थी। उफ, मैं इतना कभी नहीं रोई, जिसकी वजह से फ्लाइट में मेरे को पैसेंजर्स मुझे चिंतित निगाहों से देख रहे थे। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। कंगना ने अगली 2 इंस्टा स्टोरीज में लिखा, विधु सर ने एक बार फिर मेरा दिल जीत लिया है। विक्रांत मैसी बेहद शानदार हैं। आने वाले समय में वो इरफान खान साहब की कमी को पूरा कर सकते हैं। आपकी प्रतिभा को सलाम है। IPS मनोज कुमार शर्मा और उनकी पत्नी IRS श्रद्धा जोशी की लव स्टोरी जरूर देखनी चाहिए। अभी जिस विक्रांत मैसी की कंगना रनौत तारीफ करते नहीं अघा रही हैं, उन्होंने एक वक्त पर विक्रांत को कॉकरोच कहा था। यामी गौतम ने अपनी शादी की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। विक्रांत मैसी ने उस पोस्ट पर कमेंट किया था, राधे माँ की तरह शुद्ध और पवित्र। इस कमेंट के जवाब में कंगना ने लिखा था, कहाँ से निकला ये कॉकरोच, लाओ मेरी चप्पल। जब से कंगना ने विक्रांत की तारीफ की है तब से लोगों को उनका यही कमेंट याद आ रहा है। मगर इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि पर्सनल मसलों से हटकर कोई एक्टर अपने साथी एक्टर के काम की तारीफ कर रहा है। खैर, 12th फेल के लिए विक्रांत को खूब प्यार मिल रहा है। लिमिटेड रिलीज होने के बावजूद उनकी इस फिल्म ने देश भर से 70 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई की। 29 दिसंबर को ये फिल्म Disney+ Hotstar पर स्ट्रीमिंग के लिए रिलीज हुई। 3 दिनों में ही 12th फेल Hotstar पर 2023 की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई। आने वाले दिनों में विक्रांत कई फिल्मों में नजर आने वाले हैं। इसमें फिर आई हसीन दिलरुबा, सेक्टर 36, यार जिगरी और निरंजन आयंगर की एक रोमांटिक फिल्म शामिल है। इसके अलावा वो राजकुमार हिरानी के साथ ही जल्द ही एक डिजिटल प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहे हैं। ये जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी मेरे साथी अविनाश ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।